तो हे गाइस, व्हाट्सएप कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं और आज से हम व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। और अभी दिवाली आएंगी दोस्तों, तो उसके भी आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों। तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना गाइस। हाँ दोस्तों, और आज हम देखने वाले जो हमारा लास्ट पेपर है बायो का, वो कैसे गया और उसके जो क्वेश्चन आंसर के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो गाइस चलिए दोस्तों, हम जा रहे पेपर। और आज हमारा पेपर था, लास्ट का पेपर काफ़ी अच्छा गया और आज का लास्ट पेपर था। और ये कुछ इस प्रकार से था दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा पेपर। और इस पेपर के बारे में कुछ अभी डिस्कशन करने वाले हैं हम दोस्तों। हाय, सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारा बायो का पेपर था और लास्ट पेपर था दोस्तों। आज का पेपर काफ़ी अच्छा गया दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों। क्लास 11 और जो टाइम दिया था वो था दोस्तों 2.5 घंटे का दोस्तों पेपर। और ये मार्क था दोस्तों 50 मार्क का था दोस्तों, और सेक्शन ये 7 मार्क का था दोस्तों। और मैंने यहाँ से बराबर 7 मार्क का किया दोस्तों। और मैंने चेक भी किया दोस्तों MCQ मेरे रॉन्ग है या नहीं, कुछ इस प्रकार से दोस्तों मैंने करेक्ट है या नहीं ये घर में आकर चेक भी किया दोस्तों। तो मेरे जो सातों के सातों है वो यहाँ से, मतलब मुझे यहाँ 7 मार्क आने वाले इतने कंफर्म है दोस्तों। उसके बाद ये है दोस्तों, उसके बाद 7 मार्क का था दोस्तों। तो मैंने यहाँ से अटेम्प्ट किया, ओनली अटेम्प्ट किया 6 गाइस, क्योंकि या ये जो क्वेश्चन था दोस्तों था थर्ड, गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हिट्रोसिस। तो गाइस ये मुझे पता नहीं था दोस्तों। और जो आज का मेरा पेपर था दोस्तों 50 में से 49 का सॉल्व है दोस्तों। और जो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वो वाला मुझे कुछ मतलब नहीं आ रहा था दोस्तों, तो मैंने इसको छोड़ दिया दोस्तों। और जो जो आज का पेपर मैंने अच्छे से लिखा हो गाइस, तो इसलिए आज बहुत टाइम लगी। तो दोस्तों जो हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन था वो 7 मार्क, और ये सेक्शन ए का जो फर्स्ट था दोस्तों वो भी 7 मार्क का। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ से 7 में से 6 अटैम्प्ट किया गाइस, और यहाँ 7 में से 7 अटैम्प्ट किया गाइस। और उसके बाद ये था सेक्शन बी, सेक्शन बी में 16 मार्क का था। तो यहाँ बोला अटैम्प्ट एनी 8, तो गाइस मैंने थर्ड, फोर्थ, और गाइस ये जो डायग्राम थी ये मुझे पता नहीं थी गाइस, तो मैंने इसको कुछ सॉल्व नहीं किया, बट मैंने ये वाला सॉल्व किया। और उसके बाद ये किया 8 9, और उसके बाद ये किया दोस्तों, और उसके बाद ये और ये ये दोस्तों। यहाँ से मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था दोस्तों, बट वो जो मुझे नहीं आ रहा था वो नहीं किया दोस्तों। बाकी के ऑल मैंने किए, वहाँ आर्डर बोला था दोस्तों, बट मैंने 10 ही कर दिया दोस्तों। वहाँ जो थे दोस्तों सेक्शन बी में थे दोस्तों 11 क्वेश्चन, तो वहाँ से 8 करना था गाइस, तो मैंने 8 के बजाय 10 कर दिया। और जो एक था दोस्तों वो नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। उसके बाद था दोस्तों गाइस सेक्शन सी, तो सेक्शन सी था दोस्तों 12 मार्क का। तो ये जो डायग्राम थी दोस्तों, यहाँ आता है दोस्तों जाइनोसियम, जाइनोसियम यहाँ प्रेजेंट रहता है, और जो ये फ्लावर है दोस्तों हिबिस्कस का दोस्तों, और यहाँ एंड्रोसियम आता है गाइस, एंड्रोसियम, और उसके बाद यहाँ पे कॉरेला, और उसके जो 5 रहते हैं दोस्तों, उसके जो टाइप्स मतलब उसके कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो वो है दोस्तों हमारे पेटल्स, उसको पेटल कहा जाते हैं। अगर से 5 हो तो पेटल, अगर अकेला हो तो कॉलेरा, और ये दोस्तों कैलेक्स, इस और इसको भी उसी प्रकार बोला जाता है सेपल। तो गाइस उसके बाद ये है दोस्तों थैलेमस, और उसके बाद ये है दोस्तों पेडिकल। तो गाइस ये था कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों मैंने ये भी अटेम्प्ट किया, 3 मार्क का क्वेश्चन था दोस्तों, बट यहाँ कुछ मेरा रॉन्ग हो रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ 2 ही मार्क की मार्किंग हो गई ऐसा लग रहा है, बट आपको बट पता चलेगा। राइट नोट ऑन द जूलॉजिकल पार्ट दोस्तों, मैंने ये भी अटेम्प्ट किया दोस्तों। उसके बाद बैक्टीरियो फेज की डायग्राम भी मुझे प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही थी दोस्तों, तो मैंने इसको कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया गाइस। गाइस ऐसी थी बट थोड़ी डिफरेंट थी गाइस उस दोस्तों, मैंने ये जो डायग्राम थी इसको ऐसा बनाया, बट इसकी जो एक्चुअल डायग्राम थी, एक्चुअल डायग्राम ऐसी थी गाइस, कुछ इस प्रकार से थी। और गाइस ये इसका हेड था, वो दोस्तों मैंने इस डायग्राम का लेबल भी नहीं किया, और ये कुछ इस प्रकार थी दोस्तों, इस प्रकार की डायग्राम थी, और हेड और उसके ऊपर भी कुछ था दोस्तों। तो मुझे प्रॉपर पता नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम बनाया। अब पता चलेगा कि मार्क मिलते या नहीं। उसके बाद गिव डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों ये मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, इसीलिए मैंने इसका काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उसके बाद गिव मीनिंग ऑफ फ्लोरल, तो दोस्तों इसका जो फार्मूला, गिव द मीनिंग ऑफ फ्लोरल फार्मूला, तो इसको फार्मूला लिखना था दोस्तों। ये किस ये है दोस्तों फार्मूला, तो इसके नाम लिखना था दोस्तों, तो मैंने ये नाम कुछ इस प्रकार से दिया। और सी का कॉलेरा हो जाएगा दोस्तों, ए का एंड्रोसियम, और गाइस जी था दोस्तों, तो उसको हमने लिख दिए दोस्तों। मैंने इसको और में लिखा क्योंकि यहाँ जो ये था दोस्तों, इसका मीनिंग होता है सुपेरियर, और भी हो सकता है, या इसका जाइनोसियम भी हो सकता है, कुछ
कुछ प्रॉपर तरीके से बोल नहीं सकते। तो गाइस उसके बाद व्हाट इज द सिचुएशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट, सेपल पेटल्स एंड द टेपल्स ऑफ द सेम फ्लोरल वर्ड्स इज कॉल्ड सिचुएशन। दोस्तों इसके कुछ टाइप भी था दोस्तों, वॉल्वेट, वेक्जिलरी, ट्विस्टेड और एक था दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। एक था दोस्तों वॉल्वेट, सेकेंड था ट्विस्टेड, थर्ड था वेक्जिलरी, हाँ और गाइस जो लास्ट था दोस्तों ये था, अभी याद आ रहा है दोस्तों, इम्ब्राइट, इम्ब्राइकेट। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार थे, और गिव अकाउंट ऑफ प्लांटेशन का भी ये टाइप है दोस्तों। उसके बाद गिव सलेंट फीचर्स ऑफ अलगी, दोस्तों अलगी, दोस्तों अलगी इज मेनी टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन अलगी, रेड अलगी एंड मेनी अलगी, एंड द अलगी इज ग्रो ऑन फ्रेश वाटर। दोस्तों इसका जो नेचर है दोस्तों, इसका नेचर ऐसा है दोस्तों कि ये फ्रेश वाटर में ग्रो होती है, जैसे कि हमारे सराउंडिंग एरिया दोस्तों, हमारे घर घर के अड़ोस पड़ोस में आपको ये दिखाई देगी, जो ग्रीन रहती है दोस्तों, ग्रीन ब्लू या कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो इसकी जो बॉडी रहती है दोस्तों वो थैलाइट से बनी रहती है दोस्तों, बिकॉज इसके स्टेम रूट हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, मतलब हम इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसका रूट क्या हो सकता है, और इसकी स्टेम लीफ क्या रूट क्या हो सकता है, हम इसके कुछ कह नहीं सकते। तो उसके बाद है गिव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किंगडम सिस्टम। तो गाइस ये भी मैंने अच्छी तरीके से किया। अब जो हमारे आर्यच विटाकर साइंटिस्ट थे, आर्यच विटाकर, इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कि एक्सप्लेन कब किया था, 1960 में इसने एक्सप्लेन किया था गाइस, इसने फाइव किंगडम, फर्स्ट इज मोनेरा एंड सेकेंड इज प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया एंड लास्ट वन इज प्लांटी। तो गाइस कुछ इस प्रकार से था दोस्तों। दोस्तों और अभी मैं अभी दिवाली आने वाले गाइस, तो दिवाली का ऑफर में देखेंगे, वैसे हम ब्लैक बोर्ड लाने वाले, और ब्लैक बोर्ड के जरिए मैं इलेवेंथ की जो ये है दोस्तों, इलेवन के क्लासेस के जो ये है दोस्तों वीडियो, वो मैं लाने वाला हूँ दोस्तों, बिकॉज मुझे पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस मैं अभी ब्लैक बोर्ड लेने वाला हूँ, और उससे रोज़ डेली अपलोड करूँगा, और इससे जो मेरी पढ़ने की मतलब जो पढ़ने की क्षमता है दोस्तों वो दुगनी हो जाएंगी दोस्तों। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरा जो पेपर आज का गया गाइस, तो वो 50 में से 49 का गया, और एक मार्क का छूट गया। तो गाइस इसमें कितने मार्क आ सकते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।